सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज जो है मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ ना, जो कि काफ़ी लोग जो है मेरे से पूछते हैं कि आपका जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, यानी आप जो मोटो व्लॉग करते हो तो उसका सेटअप क्या क्या है, मतलब आप क्या क्या यूज़ करते हो, लाइक मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, कौन सा हेलमेट यूज़ करता हूँ, कौन सा माउंट यूज़ करता हूँ। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि मेरा जो आखिर मोटो व्लॉगिंग सेटअप है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मोटो व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी है वो भी बहुत बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाना शुरू करता हूँ मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा गाइस। और जितने भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, सबसे मेन जो चीज़ होने वाली है वो होने वाला है हेलमेट। तो आप देख सकते हैं ये जो है स्टील बर्ड का हेलमेट यूज़ करता हूँ मैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टील बर्ड का S3 हेलमेट। तो आप कोई भी हेलमेट यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को बजट में ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पोर्टी हेलमेट देखने के लिए मिला, जिस वजह से मैं जो है इस हेलमेट को यूज़ करता हूँ। इसमें आपको एक वाइज़र मिल जाता है ब्लैक कलर का, और आपको इसमें एक ट्रांसपेरेंट वाइज़र भी देखने के लिए मिलता है जो कि स्पेयर वाइज़र है। और अगर बात की जाए इसके वाइज़र को ओपन करने की, तो इसका सबसे स्टाइलिश पार्ट मुझे ये लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो वाइज़र है वो बटन प्रेस करने पर ओपन होता है। तो ये मुझे एक काफ़ी अच्छा चीज़ लगा। और अगर अंदर की बात करूँ तो अंदर की कुशनिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल देखने के लिए मिल जाती है। जो पैडिंग है वो डीअटैचेबल है, यानी कि आप इस पैडिंग को रिमूव भी कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, ये तो हो गई हेलमेट की बात, अब आते हैं माउंट की बात पे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा माउंट है ये एक्शन प्रो का माउंट है, और ये आप देख सकते हैं स्ट्रैप के साथ आता है, जो कि पीछे रबर का मटेरियल यूज़ हुआ है, और यहाँ पे नायलॉन का जो स्ट्रैप देखने के लिए मिलता है। तो मैंने जो ये स्ट्रैप है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बांधा हुआ है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो स्ट्रैप ऐसे गया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे सिक्योर किया हुआ है। तो ये जो एक्शन प्रो का जो ये आपको देखने के लिए मिलता है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है स्क्रू सिस्टम दिया हुआ है इसमें, तो आपको इसमें खींच के और फंसाना नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर देता है आपके जो फ़ोन को। अगर आप महंगा कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, ये तो हो गया हमारा माउंट का। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं जो सबसे मेन है मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो है माइक गाइस। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है माउनो का माइक यूज़ करता हूं। तो जो मेरा माइक है वो कुछ इस तरीके से यहां पे इंसर्ट हुआ पड़ा है, और ये जो एक्स्ट्रा वायर है माइक का वो यहां पे कुछ इस तरीके से लग गया है गाइस। तो ये जो माइक है वो मैं अपने फ़ोन में लगा के फिर उसके बाद मोटो व्लॉगिंग जो है वो शुरू कर देता हूँ। ये तो हो गया कंप्लीट मेरा हेलमेट का सेटअप कि मैं हेलमेट में क्या क्या यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको फ़ोन की चीज़ें बता दूँ, तो गाइज मैं आईफोन 14 यूज़ करता हूँ, जिसके साथ साथ जो है एक कनेक्टर आता है, आप सभी को पता है लाइटनिंग टू ऑक्स का, जो कि मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो कनेक्टर आता है वो 1000 के अप्रॉक्स आता है, और जो ये फ़ोन है ये 70,000 के आसपास मेरे को पड़ा, और ये जो आप हेलमेट देख रहे हैं ये मेरे को 1900 से 2000 के आसपास मुझे पड़ा। और अगर मैं इसकी बात करूँ ये पूरे माउंट की, तो ये मेरे को 400 to 450 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिला है गाइस। और अगर मैं माइक की बात करूँ तो माइक का जो प्राइस है वो है अप्रॉक्स 350 to 400 रुपीज़। तो गाइस कंप्लीट ये मेरा सेटअप हो गया है। अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। ये था मेरा पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप जैसे कि आपने देखा। तो गाइस आप जो है डेफिनेटली मोटो व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम प्राइस में, आप जो है कोई भी फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि आप जो शूट करोगे उसको आपको जो है 0.5 यानी कि वाइड एंगल पर शूट करना है, अदरवाइज आपका जो एंगल है वो अच्छा नहीं आएगा। और आपको क्या करना है कि आपको जो अपने फ़ोन का एंगल है ना उसको भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 2 या 3 बार लग सकते हैं। तो आप एक बार बाइक लेके निकलो और हर बार सेट करके हर 10 मिनट पे एक बार चेक करो, जो आपका परफेक्ट आ जाएगा ना उसके आप उस चीज़ को लॉक कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखना, आप डेफिनेटली मोटो व्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई गाइज तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ढोल बना दूंगा, बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी, गलत नहीं होने देना, सिखा मैं मेरे गांव के खेड़े।